हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं डेली वोकैब्स। यदि दोस्तों आप इस चैनल के वीडियोस को रेगुलर रूप से डेली देखोगे तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। इससे आप एक महीने के अंदर 625 वर्ड्स और एक साल में 7500 वर्ड्स सीख जाएंगे सिर्फ रोज़ाना 5 मिनट देखकर। इस चैनल में मैं आपको रोज़ाना 5 इंग्लिश के वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, यूज इन सेंटेंस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के बारे में बताऊंगा। आज का पहला वर्ड है सेपरेट। यह सेंटेंस में एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मीन्स होता है अपार्ट, नॉट टुगेदर, अलग, इकट्ठे नहीं। टू स्टॉप बीइंग टुगेदर, इकट्ठे होने से रोकना। एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेट, यू शुड ऑलवेज कीप योर कैश एंड क्रेडिट कार्ड सेपरेट, तुम्हें तुम्हारे कैश और क्रेडिट कार्ड्स अलग रखने चाहिए। वी सेपरेटेड एट द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पर अलग हो गए थे। Synonyms of separate, independent and isolate, antonyms of separate, unite, combine। आज का second word है scare। यह sentence में verb और noun के रूप में यूज होता है। इसका means होता है to make a person or an animal frightened, व्यक्ति या जानवर का भयभीत होना। a feeling of being frightened, भयभीत होने की भावना। Examples of scare, द सडन नॉइस स्केयर्ड अस ऑल, अचानक के शोर से हम सभी डर गए थे। इट वॉज नॉट ए सीरियस हार्ट अटैक बट इट गेव हिम ए स्केयर, यह गंभीर हार्ट अटैक नहीं था परंतु इसने उसे डरा दिया था। सिनोनिम्स ऑफ स्केयर, टेरिफाई एंड हॉरिफाई, एंटोनिम्स ऑफ स्केयर, एनकरेज एंड रीअश्योर। आज का थर्ड वर्ड है शर्व। यह सेंटेंस में वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मीन्स होता है टू गिव फूड और ड्रिंक समबडी ड्यूरिंग ए मील, किसी व्यक्ति को खाने के दौरान फूड और ड्रिंक देना। टू बी यूजफुल और सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, विशेष उद्देश्य के लिए यूजफुल या लाभदायक होना। टू परफॉर्म ए ड्यूटी और प्रोवाइड ए सर्विस फॉर द पब्लिक और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन या पब्लिक के लिए कर्तव्य निभाना या सेवा प्रदान करना। एग्जाम्पल ऑफ सर्व, ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड फ्रॉम 7:30 टू 9 AM, नाश्ता सुबह 7:30 से 9 के बीच दिया जाता है। इट इज एन ओल्ड कार बट इट विल सर्व मी फॉर ए फ्यू मंथ्स, यह एक पुरानी कार है परंतु यह मेरे लिए कुछ महीने काम करेगी। ही बिकेम ए सोल्जर बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व कंट्री, वह सैनिक बना क्योंकि वह देश की सेवा करना चाहता था। सिनोनिम्स ऑफ शव, डिलीवर एंड डिस्ट्रीब्यूट, एंटोनिम्स ऑफ शव, एफ्लिक्ट रिसीव। आज का फोर्थ वर्ड है सैक्रिफाइस। यह सेंटेंस में वर्ब और नाउन के रूप में यूज होता है। इसका मीन्स होता है टू गिव अप समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टू यू इन ऑर्डर टू गेट और डू समथिंग दैट सीम्स मोर इम्पोर्टेंट, किसी मूल्यवान या महत्वपूर्ण चीज का त्याग करना। टू किल एन एनिमल एंड ऑफर इट टू ए गॉड इन ऑर्डर टू प्लीज द गॉड, एक पशु की बलि देना भगवान को खुश करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सैक्रिफाइस, इफ वी वॉन्ट टू गो टू हॉलीडे दिस ईयर वी विल हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, यदि हम इस साल छुट्टियों में जाना चाहते हैं तो हमें कुछ त्याग करने पड़ेंगे। आई हैव सैक्रिफाइस्ड मैनी थिंग्स फॉर हैप्पीनेस ऑफ माई फैमिली, मैंने अपनी परिवार की खुशी के लिए बहुत सी चीज़ों का बलिदान किया है। Synonyms of sacrifice, oblation and offerings, antonyms of sacrifice, refuse and disallow। आज का लास्ट वर्ड है satisfy। यह सेंटेंस में verb के रूप में यूज होता है। इसका मीन्स होता है टू मेक somebody pleased by doing or giving him or what he or she wants, किसी व्यक्ति को खुश करना जो वो चाहता है उसे देखकर या करके। show or give proof to somebody that something is true, किसी बात को सत्य साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रमाण दिखाना या देना। Examples of satisfied,
आई ट्राइड माई बेस्ट टू सेटिस्फाई द पुलिस बट फेल्ड, मैंने पुलिस को संतुष्ट करने की बहुत कोशिश करी परंतु असफल रहा। आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, मैं परिणाम से संतुष्ट हूँ। सिनोनिम्स ऑफ सेटिस्फाई, अपीज एंड प्रोपिशिएट। एंटोनिम्स ऑफ सेटिस्फाई, डिसअपॉइंट फ्रस्ट्रेट। दोस्तों, मैं आपको हर सोमवार से शनिवार तक रोजाना 5 शब्द सिखाऊंगा, उसके बाद हर रविवार को एक MCQ टाइप टेस्ट होगा जो इन्हीं 6 वीडियोस के ऊपर होगा, इसलिए ध्यान से देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप भी कोई वर्ड नेक्स्ट वीडियोस में ऐड कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नई वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल डेली वोकैब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।